जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा के चक्करपुर क्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों हाईवे के किनारे अल्मोड़ा में टैक्सी चालक की हुई मौत के मामले का मंगलवार को एसपी ममता बोहरा ने किया खुलासा। हत्या नहीं, हिट एंड रन का था मामला। मौत का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी ममता बोहरा ने बताया कि बीते दिनों मिले संदिग्ध व्यक्ति के शव को देखने से प्रतीत हो रहा था कि इसकी हत्या की गई थी, जिसकी जांच के लिए गठित टीम द्वारा पाया गया कि मृतक देवेंद्र सिंह अल्मोड़ा का रहने वाला था, जो पेशे से ड्राइवर था। वह व्यक्ति 5 मार्च को बुकिंग लेकर बनबसा के लिए रवाना हुआ था। उसी दौरान हल्द्वानी से लौटते वक्त 6 मार्च को यह घटना घटी थी। खटीमा से मनोज हल्दार की रिपोर्ट। क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति की हमें बॉडी मिली थी और प्रथम दृष्टया देखने पर पता चल रहा था कि वो मर्डर जैसा लग रहा था कि उसका मर्डर किया गया होगा, तो उसको देखते हुए इसमें टीमें गठित की गई और इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया। तो पता चला कि देवेंद्र सिंह बस है जो मृतक था और ये अल्मोड़ा का रहने वाला था, पेशे ड्राइवर था और वो बुकिंग लेकर के बनबसा के लिए 3 दिन के लिए 5 तारीख को वहाँ से रवाना हुआ था। और उसी दौरान जब ये 6 तारीख को सर्विसिंग करा के हल्द्वानी से लौटा तो एक घटना हुई थी। घटनास्थल का बहुत बारीकी से निरीक्षण करने पर वहाँ रियर व्यू मिरर एक मिला था, जिसे जनरली हम लोग साइड मिरर कहते हैं, वो मिला था। और फिर हम लोगों ने टेक्निकल सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह देख करके और इसको आइडेंटिफाई कराते हुए ये पता चला कि ये मर्डर ना होके हिट एंड रन का मामला है। और इसमें जिस गाड़ी ने हिट किया था वो महिंद्रा क्वांटो थी, उसका ड्राइवर भी हमारे कब्जे में है और उसे पूछताछ की गई। उसने घटना को एक्सेप्ट किया है कि 6 तारीख को शाम को उसके द्वारा एक व्यक्ति को हिट किया गया था और हिट के होने की वजह से उसको चोट लगी थी जिससे उसकी मृत्यु हुई। सर मर्डर ना होके हिट एंड रन का मामला, मामले को कौन कौन सी धाराओं में क्लोज किया गया? पहले तो ये मर्डर का मामला था 302, अब ये 304A में चलेगा। और क्योंकि बहुत बारीकी से इस पे काम हुआ है, बहुत टेक्निकली इसे देखा गया है, तो इस तरह से जिस एक मर्डर का जो मामला था वो 304 एक्सीडेंट के मामले में आया है, तो टीम ने इतनी बेहतरीन तरीके से काम किया और सीओ साहब के सुपरविजन में काम किया है। तो कप्तान साहब की तरफ से इसमें 25,000 के इनाम की घोषणा की गई पूरी टीम। थैंक यू।